तो अभी तक आप एम्प्टी रिलेशन एंड यूनिवर्सल रिलेशन के बारे में पढ़ चुके हो तो अब हम रिलेशन के अगले टाइप के बारे में पढ़ेंगे जो कि है रिफ्लेक्सिव रिलेशन माना कोई रिलेशन आर A में है। तब यदि सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट खुद से भी रिलेटेड हो तो वह रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता है मैथमेटिकली हम इसे लिखते हैं एलिमेंट ए इज रिलेटेड टू ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू सेट ए इसे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं जो कि हमें सेट ऑफ ऑर्डर में गिवन है तो हम यहां से क्लियरली देख सकते हैं कि सेट ए के एलिमेंट वन टू एंड थ्री खुद से भी रिलेटेड है क्योंकि इस रिलेशन में ऑर्डर पेयर्स वन कोमा वन टू कोमा टू एंड थ्री कोमा थ्री इंक्लूडेड है विच मींस दिया गया रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा इसे हम डायग्राम से भी समझ सकते हैं यहां रिलेशन आर सेट ए से ए में इस प्रकार डिफाइन है कि वन वन से रिलेटेड है एंड वन टू से भी रिलेटेड है इसी तरह एलिमेंट टू टू से रिलेटेड है एंड टू थ्री से भी रिलेटेड है एंड एलिमेंट थ्री थ्री से रिलेटेड है तो हम यहां से देख सकते हैं कि इस रिलेशन के अकॉर्डिंग सेट ए के सभी एलिमेंट खुद से भी रिलेटेड हैं इसलिए ये गिवन रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा